हाय गाइस, क्या आपने कभी किसी घोड़े को अन्य जानवर की तरह बैठे हुए या रात को लेटकर सोते हुए देखा है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? चलो तो आज इस वीडियो में मैं इसका जवाब देता हूँ। मगर इससे पहले आज का मोटिवेशनल थॉट, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। मतलब जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते तब तक रुकना मत, चाहे आप थक भी जाए। आपको थकान की ओर से कॉन्सेंट्रेशन हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। चलो तो आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अन्य जानवर की तरह घोड़े को भी नींद आती है, लेकिन 24 घंटे में से मुश्किल से 30 मिनट के लिए उसे गहरी नींद आती है। लेकिन इस 30 मिनट के लिए भी वो ना तो लेटता है और ना ही बैठता है। इसके पीछे का कारण है उसकी शरीर की बनावट, जिसकी वजह से वह ज़्यादा समय तक बैठ या लेट नहीं सकता। बैठने की स्थिति में शरीर का पूरा भार गर्दन और पेट के मध्य के भाग पर आ जाता है, जो उसके श्वसन तंत्र पर दबाव डालता है और उसे श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो हमें कैसे पता चलता है कि घोड़ा आराम कर रहा है या नहीं? थकान से बचने के लिए जब घोड़े खड़े होते हैं तो चार में से कोई एक पैर थोड़ा ऊपर उठाकर रखते हैं। बारी बारी से वह अपने एक पैर को ऊपर उठाकर चारों पैरों की थकान मिटा लेते हैं। मतलब यदि आपने कभी घोड़े का एक पैर ऊपर की ओर से देखा तो समझ लेना कि घोड़ा नींद में है और उसे डिस्टर्ब मत करना। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका कारण बताइए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो और ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।